पौड़ी को अपने शरीर को आप ऐसा भी मत बनाइए कि आप मतलब आदि मत हो जाएगी टेबलेट्स का, कि बस टेबलेट लूंगा तभी मैं कर पाऊंगा वरना मैं नहीं कर पाऊंगा। जो आज लोग की वीडियो क्या में है हम बात करने वाले हैं उन टेबलेट्स के बारे में जो स्पेशली सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए ली जाती है। देखिए मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि मैम आप प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, क्या ये जो गोलियाँ मार्केट में मिलती है इसको खाकर जब हम परफॉर्म करते हैं तो क्या ये सक्सेसफुली परफॉर्म हो पाता है, क्या ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, क्या इनको लेना चाहिए, सच में इससे फ़ायदा होता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को आप पूरी देखिए। वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगी और इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, खुलकर बातें, खुलकर बात सुनना आपको पसंद है तो मेरे चैनल पर हर टॉपिक के ऊपर होती है खुलकर बातें, तो आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की और भी वीडियोस देखने के लिए। देखिए इस वीडियो को हम दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात करेंगे उन लड़कों की जिनकी एज 25 से लेकर 35 साल की है, दूसरे वो लोग हैं जिनकी एज 35 प्लस है यानी कि 40 45 50 साल के वो हो गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 25 साल वाले लोगों की बात करेंगे। काफ़ी सारे कमेंट मुझे ऐसे मिलते हैं कि मैम हमारी नई नई शादी हुई है और हम मतलब परफॉर्म करने जाएंगे जब भी हमारी फर्स्ट नाइट होगी तो हम क्या ये टेबलेट लेकर परफॉर्म करेंगे तो हमारा टाइम बढ़ेगा या फिर हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आपका फर्स्ट टाइम होगा, जब आपकी फर्स्ट नाइट होगी तो आप यहाँ पर इन टेबलेट्स के लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नेचुरली तरीके से आप कर सकते हैं उतना आपका उतना आपको करना चाहिए, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टेबलेट या मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये कि इन टेबलेट्स को आप फर्स्ट टाइम यूज कर रही हैं, आपको खुद को नहीं पता कि ये आपकी बॉडी पर कैसा रिएक्शन करेगी, हो सकता है आपको इनका उल्टा साइड इफेक्ट हो जाए, इनको खाने के बाद आप परफॉर्म ही ना कर पाओ। ठीक है ना, आप तो सोच के गए थे कि इनको खाने के बाद मतलब काफ़ी पावर आ जाएगी और आपके साथ कुछ उल्टा ही हो जाए क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका रहेगा। तो आप अपना फर्स्ट नाइट को बर्बाद मत करिए इन टेबलेट्स के चक्कर में। आपको मेरी मानिए, आप इनको लेने की जरूरत नहीं है फर्स्ट टाइम जब आप जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हम सेक्स करते हैं तो हमें इन टेबलेट्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको मौका देना चाहिए अपनी बॉडी को कि आपकी बॉडी कितना काम कर रही है ये जानने का, आपकी बॉडी कब तक कर सकती है, कितना कर सकती है। अगर आप जानेंगे नहीं उससे पहले ही आप टेबलेट खा के करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि नेचुरली आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आप इसको बिल्कुल यूज मत करिए। अब बात करते हैं हम थोड़े ऊपर के एज वाले लोगों के, यानी कि जो 30-35 प्लस हो गए हैं, 30 साल की 30 या 35 साल के हैं, उनका उन लोगों का ऐसा मानना है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कम है और जब भी हम जाते हैं तो हमें टाइम बढ़ाना है या हमें अच्छे से लॉन्ग टाइम तक हम परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो क्या हम इन टेबलेट्स को ले सकते हैं, इनको साइड इफेक्ट तो नहीं है लेने के। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप कभी कभी ले रहे हैं तो ठीक है, कभी कभी चलता है, लेकिन अगर आप डेली यूज में इन टेबलेट्स का सेवन कर रहे हैं तो कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप डेली डेली मतलब यूज में आप लेंगे उसका साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। साइड इफेक्ट आपको होता है, अगर आप एक दो बार लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप डेली डेली इन चीज़ों को लेकर परफॉर्म कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ तो ये साइड इफेक्ट आपको होगा ही होगा। इससे क्या होगा, आपका नेचुरली जो भी बॉडी का है वो काम करना बंद कर देगा, फिर जब भी आप टेबलेट लेंगे तभी आपकी बॉडी काम करेगी। विदाउट टेबलेट के आपको इरेक्शन नहीं होगा, विदाउट टेबलेट से आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करिए आप कम से कम टेबलेट्स का यूज करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब ले लिया और आपको पूरी इसकी आदत ही पड़ जाए कि जब भी आप करने के लिए जाएं दो तीन दिन बाद, मतलब हर दो दिन में तीन दिन में जब आप परफॉर्म करें तब आपको टेबलेट की जरूरत पड़ रही है, इसके अलावा आप कर ही नहीं पा रहे हैं। तो अपनी पौड़ी को अपने शरीर को आप ऐसा भी मत बनाइए कि आप मतलब आदि मत हो जाएगी टेबलेट्स का, कि बस टेबलेट लूंगा तभी मैं कर पाऊंगा वरना मैं नहीं कर पाऊंगा। जो लोग ज्यादा टेबलेट लेते हैं ना उनका साथ ऐसा होता है कि वो आदि हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब मैं इसके बिना कर ही नहीं सकता, जब तक मैं टेबलेट नहीं लूंगा तब तक मैं कर ही नहीं सकता हूं। तो आप आदि मत बनाइए अपने शरीर को, क्योंकि फिर नुकसान आपको ही होगा। टेबलेट कोई सी भी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे कोई सी भी हो, लिमिट से ज़्यादा अगर आप सेवन करते हैं तो नुकसान 100% बॉडी पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कवर कर दी। अब हम बात करते हैं 35 प्लस वाले लोगों की जिनकी एज 40 साल 50 साल हो गई है, तो यहाँ पर इस केस में आपको टेबलेट्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जब एज ऐसी होती है, इस एज में हमारी बॉडी की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती है, हमारी उम्र बढ़ जाती है, हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं तो हम परफॉर्म नहीं कर पाते सही से। ठीक है, जितना हमें करना होता है उतना हम नहीं कर पाते हैं या फिर इरेक्शन ही नहीं आ पाते है, तो उस केस में आप यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें आपको डॉक्टर की देखरेख में लेनी है, बिना डॉक्टर की सलाह से आपको एक भी टेबलेट का यूज नहीं करना है, क्योंकि फिर वो आपको रिएक्शन दे देगी, आपको साइड इफेक्ट हो सकता है उन सब चीजों से। ठीक है, कोई ये वीडियो समझ आ गई हो, आपको कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दी है। तो होप ये वीडियो आपको समझ आई हो, वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आप मेरी हर वीडियो को देख पाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।